धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में NSUI छात्र संघ ने अपनी मांगों को लेकर मुख्य द्वार पर तालाबंदी किया और धरना पर बैठ गए। NSUI छात्र संघ द्वारा कहा गया कि थर्ड सेमेस्टर के छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग करने को लेकर यह विरोध है। वहीं तालाबंदी के बाद छात्रों और अभिभावक तथा प्रोफेसर को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। मौके पर स्थानीय थाना को सूचित किया गया, जिसमें मौके पर पुलिस पहुंचकर देख की और पुनः वापस चली गई। NSUI छात्र संघ के आमिर हाशमी ने मीडिया को बताया कि BBMKU यूनिवर्सिटी आए दिन अपनी मनमानी करते आ रहे हैं व सैकड़ों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिससे NSUI कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। यूनिवर्सिटी का फोर्थ सेमेस्टर का परीक्षा कल से है, वह टालना होगा। इस कोरोना काल में कई कॉलेज के थर्ड सेमेस्टर के छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग है, ऐसे में वह छात्र फोर्थ सेमेस्टर में कैसे प्रवेश करेंगे। होगा ज्ञात होगा इस सेमेस्टर थर्ड की स्टूडेंट का जो मामला चल रहा है, इस विषय में हम लोगों ने कॉलेज प्रशासन से भी बात की थी और विश्वविद्यालय प्रशासन से भी बात की, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन जो है वो कॉलेज की गलती पे डाल के और कहता है कि हम छात्रों का परमिशन नहीं देंगे, उनको हम अगले सेमेस्टर फोर्थ की एग्जामिनेशन जो हो रही है कल से होने वाली है उसमें बैठने नहीं दिया। हमारी मांग है कि जब कॉलेज और विश्वविद्यालय प्रशासन की जब मामला है तो उसमें छात्रों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जाए। जिनकी भी गलतियां आप उन पर कार्रवाई करें, हम आपके साथ हैं, लेकिन छात्रों का इसके वजह से अगर एक साल खराब होता है तो उसका जवाबदेही, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है।